जमहूरियत को संभालना जिसे नहीं आता है वो ऐसी सरकारों को सरकार नहीं मानेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिद कर रहे हैं कि वो अनशन पर बैठेंगे और अभी तक 222 जब किसानों पर गोलियां चलाई जाती है तो मेरे देश का राजा, मेरे देश का निजाम एनजेपी में भर्ती कराया गया है। और आज मंच में कुछ कुछ आ रहे हैं, हमने होली भी अपने पसीने से खेली है और मेरे यहाँ से राजनीति से गोलियां मैंने अपने सीने पर खेली है। तो रोज की तरह भीड़ है लेकिन आज संडे होने के कारण शायद कुछ लोग आए हैं जो अलग से हैं, जो युवा दलों से हैं, धार्मिक संगठनों के लोग भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तानी छलियों से और अपनी महबूबा के प्यारों पर पहला जन चलवाते हैं। मेरी गोली निकल रही है इंसान की नजर से, मेरी गोली निकल रही है इंसान की नजर से। टूटी हुई चारपाई पर जुड़ता रहे यहाँ पर कोई बेसुध पड़ा हुआ था जब मैं टूटी हुई चारपाई पर वो गिल्ली डंडा खेल रहे थे टूटी हुई पतलियों से। मेरे पास कुछ नहीं, सोने का एक बिस्तर है और खाने का प्लेट है, फिर भी कितना काम कर सकता है एक युवक। युवक ने दिन में लाया तो कितना काम कर सकता है। 35 साल समाज और देश के भलाई के लिए लड़ रहा हूँ तो युवक ने दिन में लाया तो कितना काम होगा। आरटीआई जैसे कानून, 8 कानून बनाए समाज के लिए, आज इनको लाभ हो रहा है, देश के जनता को लाभ हो रहा है। मेरा कहने का मतलब है एक युवक है ये कलकत्ता से साइकिल पर आया, उसका हौसला देखो, हौसला बुलंद है। कलकत्ता से साइकिल पर आया, 14 दिन की सफर हुआ, 14 दिन तक सफर करते करते यहाँ आया। नाम क्या है? और जो सफर किया उसमें कहीं हॉल्ट कहाँ करना क्या कोई तय नहीं था, फिर भी हौसला बुलंद होने के कारण जहाँ जगह मिली वहाँ सोया और आज वो यहाँ पहुँच गया। वो कह रहा है क्या आपका आंदोलन का दिल्ली में अभी दिखा नहीं रहे थे लेकिन वो बोल रहा है मेरे माँ का अभी फोन आया कि अभी कलकत्ता में दिखा नहीं रहे थे लेकिन अभी फोन आया माँ का, बोल रहा था कि अभी ये आंदोलन को दिखा रहे वहां।